आंटी रोहित है घर पे क्या? हाँ अपने बेडरूम में। थैंक यू। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस यूनिट ऑफ इट। अरे तू है क्या? नॉक नहीं कर सकता क्या? नॉक क्या करना है यार, सेक्स थोड़ी ना कर रहा है तू। क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे एग्जाम से 15 दिन में और कुछ स्टडी नहीं किया है। इतनी सारी बुक खोल के रखी है, लगता है पूरी बुक चाट ली है, और बोलता है कुछ स्टडी नहीं किया है। बाजू में देख वीडियो गेम भी रखा है। मतलब तूने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की, क्यों? मेरी माँ हमेशा कहती है बेटा लड़की के पीछे नहीं जाने का। पिछले 2 महीने से कमीने के पीछे घूम रहा हूँ, अभी टांग दिखा के चली गई। कमीनी? ओ सॉरी, कमीनी नहीं, कामिनी। ओ बेटा मेरी कैटेगरी में आ गया तू भी। नकल मारने के अलावा तेरे पास कोई चारा ही नहीं है। कॉपी? और मैं पागल है क्या? पकड़े गए तो 3 साल के लिए लग जाएंगे। मैं नहीं करने वाला कॉपी। तो क्या करेगा? एग्जाम ही नहीं दूंगा, फेल होने से बच जाऊंगा। अबे पागल हो गया क्या साले, एसएससी का एग्जाम है, साल में एक बार होता है, अगर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। चुप रहे यार, मेरी हेल्प कर, आइडिया सोच। नॉक करके आया करो ना। अपने ही घर में मैं क्यों नॉक करके आऊं? हाँ जाओ अभी फटफट, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ जा रही हूँ। बहुत जोर से लगा यार, अच्छा हुआ याददाश्त नहीं गई। अच्छा हुआ तेरे सिर पे लगा, और कहीं लगता ना तो तेरी याददाश्त की जगह कुछ और ही चले जाते। रोहित तू अपनी याददाश्त जाने का बहाना क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ यार अच्छा आइडिया, जाएगी कैसे? कुछ तो सोचते हैं। याद है, याद है, तू ना सीढ़ियों से गिरने का बहाना कर ले और उसमें तेरी याददाश्त चली जाएगी और उसे मैं प्रूफ कर दूंगा। हाँ रे चल फिर, आज कुछ तूफानी करते हैं, रख दे चल। ओ, चल रेडी, देख कोई आ तो नहीं रहा। रेडी आ जा। अरे रुक रुक रुक, तेरे पापा आ रहे हैं। यार अगर बार बार मेरे पापा आएंगे ना याददाश्त सच्ची में चली जाएगी। अरे आ जा गए। क्या हुआ रोहित को? अरे अंदर सीढ़ियों से गिर गया रोहित। अरे रोहित, अरे रोहित क्या हुआ रोहित को? रोहित बेटा क्या गया? आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए ना, इसके तो सिर में चोट लगी है। जाइए जल्दी, इसका एग्जाम भी आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। चलो चलो इसको उठा के अंदर ले जाते हैं। चलो तू वहां से पकड़। संभाल के संभाल के। डॉक्टर को फोन करते हैं। रोहित रोहित तू ठीक तो है ना बेटा? रोहित मैंने डॉक्टर को फोन कर लिया है, वो अभी आती है। इसको देखिए ना, कुछ बोल ही नहीं रहा ये तो। रोहित रोहित बेटे। कौन है आप लोग? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तू मुझे ही नहीं पहचान रहा। और ये तेरे पापा हैं, और ये चल इसको छोड़। आइए डॉक्टर साहब, देखिए तो ये किसी को पहचानता ही नहीं।
रिलैक्स नीलेश भाई, मैं देखता हूँ। वैसे हुआ क्या है इसको? डॉक्टर ये सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ओ तो सिर में चोट लगी है। हाँ हाँ सर हाँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? इसके 15 दिन के बाद बोर्ड के एग्जाम्स है। हाँ ठीक तो हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। बीमारी इसके दिमाग में बैठ गई है, वो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात हो गई जो आपको इसके सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा? भाभी जी इसके दिमाग में भूसा भर गया है, सब बाहर निकालना पड़ेगा। चल डॉक्टर सर, मेरी मेमोरी वापस आ रही है, कुछ कुछ याद आ रहा है। नहीं बेटा ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी फैलते जाएगी। मेरे को सही में याद आ रहा है, मैं सबको पहचान भी रहा हूँ। बेटा एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तो सब याद आ जाएगा, अभी तो धीरे धीरे याद आ रहा है। बात मानो मेरी, मेरी आ गई मेमोरी वापस, मैं ठीक हूँ सच्ची। सर वो मैंने याददाश्त जाने का नाटक किया था, क्योंकि एग्ज़ाम थी और मैंने कुछ स्टडी नहीं किया था, इसलिए मेरे पास कोई बहाना ही नहीं था, तो मेरे फ्रेंड ने आइडिया दिया कि मैं याददाश्त जाने का नाटक करूँ। हमको क्या समझता है तू नालायक, पढ़ाई के टाइम पर गप्पे मारता है, आवारागर्दी करता है और ऊपर से नाटक किया, तेरी तो खुद तो कुछ करता नहीं है और हम लोगों को भी परेशान करके रखा है। जाने दो इसे, नादान है, नादानी कर बैठा, सब गलत संगत का नतीजा है। देखो बेटा अभी भी कुछ टाइम बचा है, आसानी से पास हो जाओगे, पढ़ाई करो। सॉरी सर मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ। अभी टाइम वेस्ट के बच्चे, चल जाके पढ़ाई कर, चल जा। तुझे क्या हुआ, मुहूर्त देख के पढ़ेगा, चालू कर। यार रोहित तो तेरा मेमोरी वाला आइडिया है ना, मैं ट्राई करता हूँ।